इस वीडियो में बात करेंगे अदानी टोटल गैस शेयर के बारे में, जहां पे 952 रुपये के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड करते हुए अभी नए में नज़र आया है हमें। आज के दिन शेयर में हमें 2.05% की गिरावट यहाँ पर नज़र आया है। 952 के प्राइस पे आगे शेयर यहाँ पर रुका हुआ है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल क्या बन रहा है उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे 2.05% का गिरावट आज के दिन। अब ये बात नहीं है कि केवल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, लगभग अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक में हमें यहाँ पे गिरावट ही गिरावट देखने को मिला है। मैं आपको एक बार दिखाऊँ तो आप देखेंगे, अदानी इंटरप्राइजेज में गिरावट, अंबुजा सीमेंट, अदानी ग्रीन एनर्जी और भी मतलब कहेंगे यहाँ पे शेयर में गिरावट हमें लगातार यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा मार्केट के ऊपर देख लेते हैं। अब ये बात नहीं कि केवल अदानी ग्रुप में ही, रेलवे सेक्टर में भी गिरावट, अदर सेक्टर में भी गिरावट, लगातार मतलब कह सकते हो कि गिरावट गिरावट हमें आज के दिन देखने मिला है। पूरा इंडियन मार्केट आज के दिन डाउन है। अभी देखेंगे निफ्टी 50 में आज के दिन, अभी तक मतलब अगर हम बात करें मार्केट तो क्लोज हो चुका है। निफ्टी 50 में 0.19% की गिरावट आज के दिन देखने को मिला। सेंसेक्स में 0.29% की गिरावट देखने को मिला। निफ्टी बैंक में 0.28% की गिरावट। निफ्टी आईटी में 0.34% की गिरावट। और S&P BSE स्मॉल कैप में 1% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिला है। 1.09% की गिरावट यहाँ पे, 521 पॉइंट की गिरावट S&P BSE स्मॉल कैप में देखने को मिला है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग 1.5% की तेज़ी ही नज़र आएगा, बट आज के दिन गिरावट हमें देखने को मिल गया है। वहीं पे बात करेंगे पिछले 1 महीने का, पिछले 1 महीने में 3.66% का तेज़ी हमें नज़र आ रहा है। मतलब कह सकते हो पिछले 6 महीने से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग पिछले 5 महीने में कोई बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। आप देखेंगे यहाँ पर इस पार्ट को अगर आप हटा देंगे तो कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछले 6 महीने में कह सकते हो कि कोई बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबल कंडीशन में नज़र आ रहा है। वहीं आप देखेंगे अब पोजीशन क्या हमें देखने को मिल रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कितने के प्राइस के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आएगा आपको शेयर, जो कि देखेंगे मतलब 900 से लेकर 1000 के अंदर कह सकते हो यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। 900 से लेकर 1000 के अंदर स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए नज़र आएगा पिछले कुछ 5-6 महीने के आसपास से अगर हम बात करेंगे। अगर केवल आप इस पार्ट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे टोटल, ये कुछ हमें लगातार देखने में मिला है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही लगातार बताते आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्टेबल है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा ही हो सकता है यहाँ पर। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया HAL को लेकर कि अभी काफ़ी बड़ा तेज़ी हमें देखने में मिल गया है तो कहीं ना कहीं गिरावट करेक्शन यहाँ पर होता है तो फिर आज देख लीजिए, आज भी गिरावट, कल भी क्रेडिट भी गिरावट हुआ था। अब न्यूज़ भी कुछ निकल के आया उससे भी कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए नहीं दिखा था कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो जो बनाकर रखा हुआ है, जाके आप उसको वॉच कर सकते हो आज के दिन का ही सुबह का। बाकी अगर हम बात करें अभी के टाइम में यहाँ पे ATGL के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं जो भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने में मिल रहा है। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। आज के कारोबार की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए किस लेवल पर आप ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ATGL बात करेंगे आज के कारोबार के बारे में तो 2.05% का गिरावट, उसके बाद मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है, बाई साइड में 332 क्वान्टिटी हमें ऑर्डर पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो यहाँ परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वान्टिटी हमें देखने को मिला है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे 37.02%, मतलब 37.02% का कह सकते हैं यहाँ पे बाइंग हुआ है आज के दिन, मतलब इतना माल उठाया गया है 37% का डिलीवरी परसेंटेज आज के दिन हमें मिला है, जो कह सकते हो फिर भी काफ़ी अच्छा है, 37% कोई कम नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, अब मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाऊँ पिछले ट्रेडिंग सेशन में कितना गिरावट देखने मिला था उसके ऊपर, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे आज के दिन तो आप देखेंगे यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला है 2% से ऊपर का। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करेंगे तो 0.73% का गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। उसके पहले लगातार हमें तेज़ी नज़र आया था कुछ दिन तक, लगातार आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 4 दिन तक लगातार तेज़ी था, उसके पहले एक दिन गिरावट था, फिर उसके पहले एक दिन तेज़ी था, फिर उसके पहले एक दिन गिरावट, ऐसे लगातार हमें माहौल देखने को मिल रहा था। फिर उसके पहले एक बार लगातार गिरावट ही गिरावट कुछ दिन तक नज़र आया था हमें, और अभी के टाइम में आज के दिन और पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हमें देखने को मिल गया। अब अगर हम बात करें लेवल्स के बारे में, अगर अब और भी गिरावट अगर देखने को मिल जाए तो कुछ लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो उसके बारे में, एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा अदानी ग्रुप के ऊपर, अदानी टोटल गैस और भी कुछ स्टॉक्स के बारे में, तो उसका आप वेट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में,
यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए मेन बात है कि अगर क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स पे अगर आप जाएंगे, जो क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पे कह सकते हो सेल्स में भी उतना कोई बड़ा मतलब ऐसे इंक्रीज नहीं था। 1156 से 1167 हुआ पिछले क्वार्टर के मुकाबले। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 170 से 169 हुआ, मतलब डाउन हुआ। वहीं पिछले ईयर यही क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज हमें देखने को मिला, 98 से 168 हुआ, बट पिछले क्वार्टर से 177 से 168 हमें देखने को मिला, मतलब डाउन पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले अगर बात करें यहाँ पे। तो क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, बात करेंगे ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस क्या रहा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि सेल्स में भी उतना कोई बड़ा हमें देखने को नहीं मिला, 4378 करोड़ से 4475 करोड़ हुआ, और उसके पहले वाले से कह सकते हो कि अच्छा इंक्रीज है, 2022 से 2024 में काफ़ी अच्छा है, 3038 करोड़ से 4475, बट 2023 से 2024 कंपेयर करेंगे तो 4378 करोड़ से 4475 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 546 करोड़ से 668 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे देखने को मिला। तो ईयर बेसिस पे तो थोड़ा परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला कह सकते हो, बट क्वार्टर बेसिस पे उतना कोई परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिला था। अब देखिए मेन बात यहाँ पे ये भी निकल के आती है कि क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस अगर हमें अच्छा नहीं देखने में मिला है, कोई भी कंपनी हो क्वार्टर बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस या फिर कह लो जो भी नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल नंबर्स, अगर कंपनी अच्छा रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके चलते कह सकते हो कि हमें इम्पैक्ट पड़ते हुए शेयर पर दिखता है, बट यहाँ पे उतना कोई इम्पैक्ट पड़ा हुआ हमारे नहीं दिखा। बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ महीनों से लगातार स्टॉक स्टेबल कंडीशन में है, वही कंडीशन में स्टॉक लगातार चलते हुए आ रहा है अभी के टाइम में, कोई एकदम से बड़ा गिरावट हमें ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बट अब ये क्यों नहीं देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे ईयर बेसिस पे कह सकते हो उतना कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है, ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, और इसलिए दोस्तों कह सकते हो कि क्वार्टर का कोई हमें यहाँ पे क्वार्टर बेसिस को परफॉर्मेंस को लेकर कोई बड़ा हमें कोई करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब बात यहाँ पे ये आती है कि काफ़ी सारे स्टॉक आपको नज़र आएगा जो कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट के अलावा, जो क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आता है केवल, उसके ऊपर अगर हम अच्छा रिजल्ट नहीं कंपनी देखने को मिलता है तो कह सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक में बड़ा बड़ा करेक्शन हुआ है, बट चलो यहाँ पे हमें कुछ वैसा देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल्स के बारे में, जो कि आप अगले ट्रेडिंग सीजन में ध्यान दे सकते हो, अदानी टोटल गैस में उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे लेवल्स के बारे में, यानी अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा, और अगर आप तेजी देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लेवल अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो कि लेवल हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे 939 का लेवल रहेगा सबसे पहला, 939 का। अगर इसको ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, एक और स्ट्रॉन्ग लेवल हमें नज़र आ रहा है जो कि अब देखेंगे यहाँ पे 930 का लेवल, और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है आने वाले टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट नज़र आ रहा है हमें 909 के लेवल पर, आप ध्यान दे सकते हो आने वाले टाइम में। बाकी नेक्स्ट आने वाले ट्रेडिंग सीजन के दो लेवल पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा का लेवल जो है वो आगे का लेवल है, अगर उतना गिरावट देखने मिलता है ध्यान दे सकते हो, अदरवाइज इग्नोर इट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपसाइड के लिए लेवल क्या बन रहा है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर आपको तेजी देखने को मिलता है तो ये वाला लेवल ध्यान दीजिएगा जो कि यहाँ पे 961 का लेवल रहेगा। इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो लेवल हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 979। उसके बाद और भी कुछ लेवल्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जो कि आप खुद देख सकते हो, 986 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप ध्यान दे सकते हो अगर हम बात करें यहाँ पे ATGL शेयर में। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।